हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ टीथ एंड डाइजेशन. सो लेट्स बिगिन. हियर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर गिवेन, दैट इज इरप्ट, डीके, कैविटी, चिजल एंड चॉपिंग, ओके, एंड द ग्राइंडिंग एंड रेंस, ओके, इम्प्योर एंड डेंटिस्ट, ओके. सो द डेवलपमेंट ऑफ टूथ. ओके, आर टीथ हेल्प टू चीव एंड डाइजेस्ट फूड, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पीच एंड इम्पैक्ट अवर ओवरऑल हेल्थ. ओके, ह्यूमंस हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क और प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ, विच डेवलप्स इन स्टेजेस. ऑल्दो द टाइमिंग इज डिफरेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ईच वन ऑफ दीज सेट्स ऑफ टीथ इज सिमिलर. ओके, सो जो टीथ होते हैं वो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, अ न्यूबॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टूथ इन हिज माउथ. उसके जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनके माउथ में टीथ नहीं होते हैं जब वो जो है बर्थ करते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं. आफ्टर 6 to 7 मंथ्स द फर्स्ट टूथ अपीयर्स, द क्राउन ऑफ टूथ फॉर्म्स फर्स्ट व्हाइल द रूट्स कंटिन्यू टू डेवलप इवन आफ्टर द टूथ हैज इरप्टेड. ओके, बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स अबाउट 20 टीथ आर विजिबल. दिस सेट्स ऑफ टीथ इन अ चाइल्ड इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. एट द एज ऑफ अबाउट 6 ईयर्स मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग वन बाई वन. प्राइमरी टीथ फॉल आउट बिकॉज दे आर बींग पोस्ट आउट ऑफ द वे बाय द परमानेंट टीथ दैट आर बिहाइंड इट स्लोली. परमानेंट टीथ आर ग्रो एंड टेक द प्लेस ऑफ प्राइमरी टीथ. ओके, सो परमानेंट टीथ आर लार्जर एंड टेक लॉन्गर टू ग्रो दैन primary teeth. By about age of 12 or 13 year, most kids lost all their milk teeth and have a final set of permanent teeth. There are 28 permanent teeth in all. Between the age of 17 and 21 years, 4 more teeth called wisdom teeth usually grow at the back of the mouth to complete the adult set of 32 teeth. Okay. So, होता क्या है, जो जो permanent teeth होते हैं जो है वो बहुत longer होते हैं. ठीक है, प्राइमरी टीथ के अकॉर्डिंगली, और ये जो है 12 और 13 ईयर तक जो है गिर जाते हैं और फिर वहाँ पे परमानेंट टीथ फाइनली रिप्लेस कर देते हैं प्राइमरी टीथ को. ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ टूथ. अ टूथ इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स. ठीक है, द क्राउन विच इज द विजिबल वाइट पार्ट ऑफ द टूथ. ठीक है, जो वाइट तो विजिबल पार्ट होता है उसको क्राउन बोलते हैं. द रूट विच यू कांट सी, जो आप नहीं देख सकते हैं उसको रूट बोलते हैं. द रूट एक्सटेंड बिलो द गम लाइन एंड कट्स द टूथ इनटू द बोन. द गम इज द पिंक फ्लैशी पार्ट ऑफ द टूथ. गम जो होता है पिंक फ्लैशी पार्ट होता है टूथ का. और हियर द लेयर्स ऑफ टूथ यू कैन सी, इनेमल, सीमेंटम, डेंटाइन एंड द क्राउन. दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द टूथ एंड पल्प एक्सेट्रा. एनेमल, इनेमल इज द क्राउन विच टूथ of each tooth is covered with enamel, which is very hard and shiny. Okay, and enamel is the also the hardest substance of our body. It acts as the tooth's bodyguard. It protects the inner part of the tooth. It protects the tooth from decay. Enamel is made up of phosphorus and calcium. क्योंकि बहुत strongest substance होता है और ये क्योंकि बना हुआ होता है phosphorus और calcium से, इसलिए बहुत strongest होता है. The dentine under the enamel lies the dentine. Okay, the enamel के नीचे जो है क्या होता है, dentine होता है. It makes up the largest part of the tooth. It is not as hard as enamel. It is like a bone which supports the enamel. It is made up of calcium. ये बहुत ज़्यादा hard नहीं होता है enamel के accordingly, और ये जो है support करता है उसको और calcium से बना होता है. Pulp is found inside the dentine. It forms the central part of the tooth. It contains blood vessels, nerves and other soft tissues and that deliver nutrients and signals to the tooth. ठीक है, and when you bite a cold scoop of ice cream, fall or hurt a tooth or get a cavity, it is a pulp that hurts. The pulp sends messages to the brain about the sensation. The pulp also contains the tooth blood vessel which feeds the tooth and keeps it alive and healthy. ओके, सो जब भी आपको हर्ट होता है तो वो लाइक पल्प में ही होता है, यानी कि क्या, जो जर्म्स होते हैं वो जो है आपके पल्प में ही जो है ग्रो करते हैं. ठीक है, सो क्योंकि पल्प में नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इसलिए है. द सेमेंटम, द पल्प गोज ऑल द वे डाउन इनटू द रूट ऑफ द टूथ विच इज अंडर द गम. इट मेक्स अप द रूट ऑफ द टूथ विच इज एंकर्ड टू द जॉबोन विच इज लाइट येलो इन टर्म्स ऑफ कलर एंड इज यूजुअली कवर्ड बाय द गम. दिस इज कॉल्ड सीमेंटम. ओके, टाइप्स ऑफ टूथ. Each type of tooth has a slightly different shape and perform a different job. Okay, so factoscope is 4 molars grow later and are called wisdom teeth. यानी कि जो 4 teeth होते हैं, molars जो होते हैं वो बाद में निकलते हैं, उनको wisdom teeth बोला जाता है. Incisors, canine, premolars, molars, molars again and the premolars and the canine. यानी कि क्या, upper और lower portion में same होते हैं. ठीक है, 4 and the
incisors. Incisors are the 8 teeth in the upper front and front bottom of the mouth. Okay, they are shaped like tiny chisel with flat ends. The teeth are used for cutting and chopping food. They are usually the first teeth to erupt. यानी कि ये 8 numbers में होते हैं और bottom of में 4 होते हैं और upper part में 4 होते हैं, ठीक है? और ये जो है फूड को जो है कटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है? And the canine are the 4 teeth and next ones in order to develop. These teeth are pointed and sharp. They help to your food. Premolars are the 4 teeth on each side of the mouth, 2 on the upper and the 2 on the lower jaw. There are 8 premolars in all, which are also called bicuspid teeth. Premolars are bigger and stronger. They are used for chewing and grinding teeth. ठीक है, premolars बहुत bigger, stronger होते हैं और ये food को chew करने में और grinding में help करते हैं. Here 8 molars, 4 at the top and 4 at the bottom. Okay, they are wider and stronger than premolars. They work closely with the tongue to help swallow food. Third molars are commonly known as wisdom teeth. These are the last teeth to develop and do not erupt until age of 18 to 20 years. Some people now develop third molars at all. The third molar may cause crowding and may have to be removed. Okay. Here are 8 molars. 8 molars होते हैं, 4 at the top और 4 bottom में होते हैं. ठीक है, ये भी बहुत stronger होते हैं और जो है वाइडर होते हैं, ठीक है, और इनको जो है कॉमनली विजडम टीथ भी बोला जाता है. एंड द प्रोटेक्शन ऑफ टीथ, सो द टीथ एज टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो द प्रोटेक्शन ऑफ टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ टू प्रोटेक्ट आवर टीथ. So, proper care of teeth is necessary for keeping them healthy and strong. When we eat food, tiny bits of food get stuck in the space between our teeth. If we do not remove the remaining food particles from teeth, germs start acting on them. These germs secrete acid juices in order to help them digest the food particles which are stuck between the teeth. These juices correct the enamel of the teeth. Consequently, cavities are formed. These cavities grow bigger and deeper and finally they reach the pulp. यानी कि क्या, जो enamel होता है वो धीरे धीरे जो है deplete होने लगता है और फिर वहाँ पे germs grow करने लगते हैं. The tooth start aching and sometimes फिर क्या होता है, वहाँ पे tooth aching होने लगती है, pain होने लगता है. These teeth become loose and fall off और फिर धीरे धीरे teeth जो है गिरना start कर देते हैं, ठीक है. और यहाँ पे एक येलो कलर की लेयर जो है बन जाती है, उसको हम plaque कहते हैं, जिसे अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग और टूथ पेस्ट से टूथ ब्रश करेंगे तो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है. डेंटल केयर, ब्रश द टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है. यानी कि टू टाइम ब्रश करना चाहिए. रिंस योर माउथ वेल आफ्टर टेकिंग मूव. क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स. जर्म्स अटैक आवर टीथ एंड कॉज बैड ब्रेथ. यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ. ईट हेल्दी फूड फॉर टीथ एंड गम्स. Eat fruits like apple without peeling their skin. Avoiding having too many sweets, sugary snacks and soft drinks. Okay, visit the dentist regularly for checkup. And taking calcium is very important for keeping teeth healthy and strong. We get it from milk or cheese and other milk products. Eating salads protect our teeth from germs. We must chew fruits and salad as they improve blood flow in the gums. Here, आपको करना क्या है कि आपको हर जो भी आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो फिर उसको अच्छे से माउथ को वॉश करना है, अपने टंग को अच्छे से धुलना है, वॉश करना है और क्लीन करना है. इससे क्या होता है, क्योंकि जो टंग होती है उसमें जम्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. डेंटल फ्लॉश यूज़ करना है, जिससे क्या होता है, जो बिटवीन जो स्पेस होता है टीथ पे, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल अगर स्टक कर जाते हैं तो वो इजिली रिमूव हो जाता है. और जो है अच्छे से हमें हेल्दी फूड्स टेक करना चाहिए और फ्रूट्स वगैरह भी खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सिट्रस विटामिन सी होता है. और जो सुगरी स्नैक्स होते हैं और स्वीट्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए. टू मैनी स्वीट्स वगैरह जो भी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए. और डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए चेकअप के लिए. कैल्शियम जो है वो हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं तो उनको हम ले सकते हैं और उससे हमारे टीथ को जो है अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है. हियर सम फूड सप्लीमेंट्स लाइक मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स. और सैलड्स वगैरह ले सकते हैं. इससे क्या होता है, सैलड्स में क्योंकि फाइबर होता है तो उससे हमारे टीथ में जो जो ब्लड का फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है. सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.